वाट ए व्यू, क्या नजारा है भाई साहब। ऐसा लग रहा है उधर उधर समुद्र है। एक्चुअली इस पेड़ को देखकर गोवा और साउथ इंडिया की फील आती है, ये नारियल के पेड़। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। बट मैं नहीं बेटर फील कर पा रहा हूँ बिकॉज 15-20 दिन हो गए वीडियो आ नहीं रहा है, वीडियो शूट भी नहीं हो पा रहा है। 2000 years later. कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब चल रही है, 4 से 5 दिन हो गए हैं। बस बगल में डॉक्टर था, दिखाने जा रहे हैं, सोचा कि डोलो से काम चल जाएगा। जो डोलो होता है ना, मतलब पैरासीटामोल जैसा, उससे काम चल जाएगा, बट हो नहीं रहा है। जब तक दवा थी, दवा का असर था, तब तक ठीक था। अभी जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने, आई डोंट नो क्या हुआ है। रवि प्रताप, PRATAP, SINGS। फिलहाल टेम्परेचर भी कुछ ज्यादा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। दवा लेते हैं 3 दिन का, देखते हैं क्या होता है। ब्लड के लिए बोल रहे थे भाई, मैंने तो साफ मना कर दिया। 2-3 दिन बाद अगर नहीं कुछ होता है रिस्पॉन्स तो ब्लड भी जांच करवा देंगे एक बार, क्या हुआ। डॉक्टर को दिखा तो लिए हैं, कहे हैं कि 2 दिन दवा खाइए, अगर 2 दिन बाद नहीं सही होता है तो ब्लड जांच करवाना पड़ेगा। जिससे मैं डरता था वही फिर साथ में बार बार आ जा रहा है। ये तो खाने पीने की इतनी दुर्दशा हो रही है, यहाँ क्या बना रहे हैं, कुछ खाने के लिए है कि नहीं। ये चलेगा नाश्ता, इसको खा के दवा खा लेते हैं। और लेट फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत में सुधार है। आज है छोटी दिवाली और आप सभी लोगों को दिवाली एंड छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो जब तक दिवाली आएगा तब तक ये वीडियो, दिवाली बीत जाएगा उसके बाद ही वीडियो होगा। तो अभी फिलहाल मैं स्वीट्स की दुकान खोज रहा हूँ, कल मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टीम मेंबर को। तो फिलहाल दोस्तों, जिसको नहीं पता है, मैं अभी केरला कोची में हूँ और मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कोची में दिवाली मनाने का। सच बताऊँ तो केरला कोई मतलब कुछ नहीं है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली कोई उतना क्रेज है ही नहीं जितना हम लोगों की यूपी और बिहार। एक ऑप्शन नहीं है लेकिन मुझे नहीं लग रहा अच्छा होगा क्योंकि दाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मिठाई में क्या लिया जाए कुछ नहीं समझ आ रहा। इधर है कुछ लड्डू हैं, छेना होना तो है नहीं। इधर मिठाई में सिर्फ इतना ही है, मिठाई में इतना ही है। और छेना मिलेगा क्या? छेना के एक लास्ट एक सोन पापड़ी मिली, किसी को एक दो देखते हैं, बाकी ये मिठाई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिठाई की वैरायटी बहुत कम है। मैं तो कुछ कहना होना ढूंढ रहा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखता हूँ नहीं मिलेगा तो फिर इसी से एडजस्ट करूँगा, नहीं तो कल भी सर्च अभियान जारी रहेगी। और कल तो भाई साहब दिवाली है ही, देखो क्या होता है। और एक बार आप सभी लोगों को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, पटाखा जलाएं तो सोच समझ के, थोड़ा सा सावधानियाँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मत जलाइए, फोड़िए, इंजॉय करिए और खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए, एक दूसरे की सहायता करिए। गजब है भाई साहब, इधर छेना का मिठाई मांग रहे हो तो चना दिखा रहा है। लैंग्वेज में थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, बाकी मिठाई की अभी भी सर्च अभियान जारी है। देख रहे हो, छेना मांगने पे चना दे रहा है। ठीक है, चना नहीं, छेना छेना छेना। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है छेना और चना में। यहाँ भी मिठाई की कुछ ऐसी वैरायटी है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब, आज है दिवाली और अपनी दिवाली केरला में मन रही है और यहाँ तो कुछ नहीं पता चल रहा दिवाली वाली क्या है। बहुत मतलब एक दो घर दिया दिखा जलता हुआ और सच बताओ ऐसा लग रहा है अपने देश में नहीं किसी दूसरे देश में हूँ। बट केरला है यार, यहाँ दिवाली क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो दिवाली यहाँ के सबसे बड़ी फेस्टिवल में से एक है, तो सेलिब्रेट तो करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे हैं। बट फिलहाल फ्रेंड्स, अभी रात के बज गए हैं 9, जा रहा हूँ डिनर करने और घर पे रहता बहुत मिस कर रहा हूँ यार। घर पे इतना अच्छा माहौल बनता है, पहली बार ऐसा हुआ लेकिन पता नहीं क्यों। मलकान भैया, आपकी भी पहली दिवाली है ऐसी? भाई आपकी भी पहली दिवाली है? कहाँ मतलब घर के बाहर?
मेरा भी मलखान भैया की पहली दिवाली है। मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम है कि मैं दिवाली के फेस्टिवल पे घर नहीं हूँ और घर पे मेरे सभी लोग हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं ना पटाखा देखा, मतलब पटाखा मतलब जो चुलचुले से जलते हैं वो पटाखा नहीं, तो आप समझ रहे हैं। दिखा रहा हूँ शहर का माहौल, ये है अपने शहर का माहौल। कहीं कुछ दिया नहीं जल रहा है, ना पटाखे ना कहीं वो लाइटें, वहाँ थोड़ी सी लाइटें लगी हैं बट वो हमेशा लगी रहती हैं बिकॉज होटल है। और भाई ये शहर कितना सूना साना सा लग रहा है, केरला है, आई डोंट नो केरला में क्यों नहीं बनाते हैं। कौन सा गाना डेट पे जीजा। तो कोई नहीं, चलते हैं डिनर करने। भाई साहब दिवाली के दिन गजब पोपट हो रहा है आज, जबकि मैं प्लांट से एक घंटा पहले आया हूँ और आज वेज खाना ही खत्म, कहीं वेज मिलने का, हर जगह नॉन वेज, आज वेज की शॉर्टेज हो गई है। तो आज अपने फेस्टिवल है तो नॉन वेज खा नहीं सकते हैं, तो नॉन वेज खोजने के चक्कर में निकल दिए हैं, सॉरी वेज खोजने के चक्कर में निकल दिए हैं। तो आ गए, हेलो, तो आ गए हैं कवानी होटल, यहाँ देखते हैं मिलेगा कि नहीं। भाई डर लग रहा है यहाँ बिना फूल हो। अब मेन्यू कार्ड देखते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेन्यू कार्ड है मेन कोर्स वेज में, कढ़ाही वेज, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, एक पनीर बटर मसाला कर दीजिए और 8 रोटी। ओके, वो फुल का चपत आपने चलो भाई साहब कम से कम कुछ तो मिला दिवाली के दिन। आज अपनी स्पेशल डिनर है दिवाली के दिन, पूरा रेस्टोरेंट इधर खा लिया। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट चले गया, दिवाली में एक दिन तो चलता ही है इतना, कहाँ क्या खा रहा है अपने, बस खाना है। भाई साहब इधर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैच तो एक दिन बाद था, बस उसका हाईलाइट दिखा रहा है, लेकिन मजा आ गया भाई। कल रोहित शर्मा और हर्षदीप हार्दिक पांड्या, मतलब ओवरऑल सभी टीम का योग था, मजा आ गया भाई साहब। अब आ गया अपना बटर पनीर मसाला और ये फुलके, तो ठीक है इसको निपटाते हैं। भाई साहब प्याज नहीं आ रहा जिसको मैं, लड़के में सब बात अच्छी है बट एक ही बुरी बात है कि खाना के साथ कच्चा प्याज खाता है। ज्यादा तेज नहीं बोल सकता क्योंकि थोड़ी सी। एक घर देख में इसी में दिवाली मना है और मुझे नहीं लग रहा है कहीं मना, और यहाँ भी पटाखा फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, सोचा कि देख के दिवाली मना ले, सेलिब्रेट कर ले। थैंक यू चाचा, चाचा हमारे बाजीगर बन रहे हैं, साला एक अनार नहीं जल रहा है किसी से, लग रहा है मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरा अनार कहाँ जल रहा है। वाह चाचा कमाल हो गया, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को, हैप्पी दिवाली। आह कितना मजा आता है, मजा आता क्या है, जो बारूद की महक होती है ना, बारूद जलता है उसकी महक और पेट्रोल की महक, मजा आ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब आदत सी नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में समाप्त करना चाहूंगा, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई नो या 5-6 दिन का ब्लॉग है एक साथ में कंबाइंड करके डालना, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल मेरे चैनल पे जो नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर देना, और इसका इंट्रोड्यूस मैं अपना इंट्रोड्यूस अगले वीडियो में आपको दिलाता हूँ। तब तक फ्रेंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरपी प्रोग्राम। प्रताप सिंह, बाय बाय दोस्त। यह केरला भाई साहब, केरला कोई मतलब कुछ नहीं है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली कोई उतना क्रेज है ही नहीं जितना हम लोगों की यूपी और बिहार, और मतलब जितना उधर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साइड में होता है, इधर ऐसा कुछ है नहीं।